मित्रों, ये जो आप बीज देख रहे हैं ये अश्वगंधा जड़ी बूटी के बीज हैं जो अब सूख चुकी है और अब इनको एकत्रित हम कर रहे हैं जिससे हम अगले साल नए पौधे लगा सकें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसके बीज कैसे होते हैं और किन कामों में प्रयुक्त होता है। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आइए इसके गुणों को देखते हैं। दोस्तों, आज हम आए हैं एक नई जड़ी बूटी के साथ, ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा के ये बीज हैं। अश्वगंधा के पेड़ों को उगाने के लिए हमें इसके बीजों को एकत्रित करना पड़ता है। इसके एक ही बीज में बहुत सारे बीज रहते हैं। देखिए किस तरह है, ये पकने के बाद बिल्कुल लाल रंग हो जाता है इसका, वैसे हरा रहता है ये। देखिए मित्रों, अश्वगंधा एक बहुत ही लाभकारी जड़ी बूटी है। इस जड़ी बूटी को हमें अपने घरों में ज़रूर लगाना चाहिए। इस जड़ी बूटी का प्रयोग आपको हम अगली आने वाली वीडियो में बताएंगे। देखिए तो ये हमने इतनी सारी अश्वगंधा जड़ी बूटी के बीज इकट्ठे कर लिए हैं।